हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिबा मलिक ओवर हेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सिंग केयर प्लान, कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। ओके, जो नर्सिंग केयर प्लान है वो हमारा थ्योरी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हम क्लिनिकल वर्क करते तब भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नर्सिंग केयर प्लान और फीवर या पायरेक्सिया। ठीक है, फीवर को पायरेक्सिया भी बोलते हैं, तो फीवर पे नर्सिंग केयर प्लान पढ़ेंगे। लाइक जो फीवर है वो कोई डिजीज़ नहीं है, सिर्फ ये एक सिम्टम है। ओके, तो देखो जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान होता है इसमें सिक्स हमारे आते हैं, कौन कौन से, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। ओके, तो फर्स्ट असेसमेंट में हमारे पास आता है सब्जेक्टिव डाटा एंड देन नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव डाटा। जो सब्जेक्टिव डाटा है, सब्जेक्टिव वो होगा जो पेशेंट हमें बताएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, जो हेल्थ वर्कर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक, तो अब हम नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं फीवर पर। तो ऑब्वियस अगर आपको फीवर होता है, डॉक्टर के पास जाते तो यही बोलते हो कि भाई मेरी जो बॉडी है वो गर्म हो रही है, वीकनेस फील हो रही है, तो वही है। तो देखो सब्जेक्टिव में क्या है, जो पेशेंट हमें बता रहा है, तो इसमें हमने लिखेंगे द पेशेंट सेज दैट हीज बॉडी हैज वॉर्म। मीन्स पेशेंट ने हमें क्या बोला कि उसकी बॉडी कैसी है, वॉर्म है, वीकनेस है और उसको लिथार्जी फील हो रहा है। ओके, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि द पेशेंट हैज फीवर, कि जो पेशेंट है उसको क्या हो रहा है, फीवर हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। अब हमें पता चल गया कि पेशेंट को क्या है, फीवर है, तो हम इस पर क्या बनाएंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। अब क्या रहेगा हमारा नर्सिंग डायग्नोस, पेशेंट को फीवर है तो हमारा डायग्नोज क्या बनेगा, उसको कम करना। ऑल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, मीन्स बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया है, ऑल्टर्ड हो गया, इंक्रीज हो रहा है, रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, कोई भी डिजीज कंडीशन है, एज एविडेंस्ड बाय टेकिंग टेम्परेचर। एविडेंस्ड मीन्स प्रूफ, हमें कैसे पता चला कि जो पेशेंट है उसको फीवर है, बाय टेकिंग द टेम्परेचर। अब पेशेंट को फीवर हो रहा है तो हमारा गोल क्या रहेगा, उस फीवर को कम करना। तो क्या आ जाएगा गोल, टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लानिंग। प्लानिंग में आएगा कि हम अब क्या प्लान करेंगे उस जो फीवर हो रहा है पेशेंट को, हम क्या प्लान करेंगे उसको कम करने के लिए। ओके, फर्स्ट है असेस द वाइटल साइन, इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस है। पहले हम क्या असेस करेंगे, पेशेंट के वाइटल साइंस को। वाइटल साइंस में हमारा आ जाएगा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। ओके, नेक्स्ट हमारा आएगा प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग। हम पेशेंट को क्या प्रोवाइड करेंगे, कोल्ड स्पंजिंग। आपने नॉर्मली देखा भी होगा जब हमें कभी फीवर हो जाता है तो हम वही ठंडे पानी की पट्टियाँ रखना स्टार्ट कर देते हैं अपने फोरहेड पे, तो वही है हमारा क्या, कोल्ड स्पंजिंग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोवाइड कीप एंड काम इन्वायरमेंट। है या नहीं, फीवर होता है तो हमें, हमारा क्या मन करता है कि जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है वो कैसा रहे, काम एंड क्वाइट। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक मेडिकेशन एज पर डॉक्टर ऑर्डर। एंटीपायरेटिक्स, एंटीपायरेटिक्स में हमारा लाइक पैरासीटामोल आ जाएगी, ठीक है, बट वो किसने प्रिस्क्राइब की होनी चाहिए, डॉक्टर ने। ओके, इसमें प्लानिंग में हम और भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, चिल्ड है, तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं कि प्रोवाइड एक्स्ट्रा ब्लैंकेट। समझ आया यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन। देखो इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, प्लानिंग थी, ये क्या था हमारा प्लान, हमने ये सब करा। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, जो चीज़ हम कर चुके, तो हमने इसमें फर्स्ट लिखा असेस द वाइटल साइन, तो हम यहाँ लिख देंगे असेस्ड, क्या आ जाएगा हमारा, असेस्ड द वाइटल साइन। ऐसे हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, हमने इसमें क्या लिखा, प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, प्रोवाइडेड। मीन्स जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें हम सिर्फ क्या लगाते जाएंगे, इसमें ईडी, प्रोवाइडेड। लाइक इसमें है हमारा प्रोवाइड कीप एंड काम इन्वायरमेंट, तो यहाँ आ जाएगा प्रोवाइडेड कीप एंड काम इन्वायरमेंट। लाइक एडमिनिस्टर है तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एडमिनिस्टर्ड। मीन्स ये काम हम क्या है, कर चुके, तो जो काम हम कर चुके हैं वो हमारा किस में आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन में। ओके, लास्ट हमारा जो आता है इसमें स्टेप, वो है इवेल्युएशन। ऑब्वियस है, जब हमने केयर प्लान बनाया पेशेंट का, हमने उसको ये सारी प्लानिंग करी, हमने ये सब पेशेंट का केयर प्रोवाइड करी, तो उसका एक इवेल्युएशन, एक आउटकम भी देखेंगे, ठीक है। तो इवेल्युएशन में हम क्या देखते हैं कि पेशेंट को जो हमने प्लानिंग करी, पेशेंट को फीवर था, क्या वो रिड्यूस्ड हुआ या नहीं हुआ। ओके,
तो हम इसमें लिखेंगे पेशेंट टेम्परेचर हैज बीन रिड्यूस्ड, कि जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर क्या हो गया, हमारा रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, एक और मेन पॉइंट है इसमें, लाइक हमने यहाँ पे लिखा असेस द वाइटल साइन। जब हम ये पॉइंट लिखते हैं वाइटल साइन में, लाइक हमारा आएगा टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर, तो इसकी जो हमारी रीडिंग्स आती है वो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, सो दैट कि जब भी हम टेम्परेचर रहे हमें याद रहे कि जब हमने उस टाइम इसका टेम्परेचर लिया था तो कितना था। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक नर्सिंग केयर प्लान। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।